नमस्कार, अर्गस अपडेट को स्वागत करीमा। प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे। गभीर अवपातर रूप नेला अवपात, आज नेब बात्यार रूप। 190 किलोमीटर बेगरे बहिपारे पवन, 26 संध्यारे पारादीप और सागरद्वीप मध्य दे करिबो अतिक्रम। राज्यर 8 जिल्लारे प्रबल वर्षा संभावना। बात्या मुकाबला पाई एनडीआरएफ ओड्राफ अग्निशम बाहिनी प्रस्तुत, जन भागीदारी बात्या को सामना करने पाई प्रस्तुत होती लोके। ग्राउंड जीरो रे अर्गस। एक बैस आर्थिक वर्ष रे पीएम आवास योजन ओडिशा को मिली 8,17,000 पक्का घर। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देले धर्मेन्द्र, ट्वीट कर कहले मुंड पक्का छात दे मोदी आनी परिवर्तन। एसआरसी खोलीदेले पक्का घर गुमर, बात्या को नाही डर, मुंड उपरे पक्का घर पलटिछि खाली स्लोगान। धरा पड़गला पंचायतराज मंत्री को मिछ प्रचार, फाइलिंग पनीगला पर भी पक्का घर पलटिछि स्वप्न, एबे निद हो जाइछि यस। एवं पश्चिमबंग अशांत, आरएसएस अभियोग ममता सरकार द्वारा हिंदू मानों पर आक्रमण। पश्चिमबंग आज पलटिछि द्वितीय काश्मीर, जनजागरण सृष्टि आह्वान। बात्या आसुच्छि, भय भी बढ़ुच्छि, केते बेगरे पवन बहिब, केउं स्थानरे लैंडफॉल करिब, एमिति अनेक प्रश्न। बुलेटिन आरंभ करिबा बात्या संपर्कित खबर। गभीर अवपातरे परिणत होइछि अवपात, आज नेब बात्यार रूप। गत 6 घंटा हेब बात्या यस 4 किलोमीटर बेगरे अतिक्रम करछि। वर्तमान बात्या दक्षिण दक्षिण पूर्व पारादीप ठारु 540 किलोमीटर दूर रही, दक्षिण दक्षिण पूर्व बालेश्वर ठारु 650 और दक्षिण दक्षिण पूर्व दीघा ठारु 630 किलोमीटर दूर रही। उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करि आज साइक्लोनिक स्टर्मर रूप नेब। परवर्ती 24 घंटे भेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टर्मरे परिणत हेब। 26 तारीख संध्यारे बात्या पारादीप और सागरद्वीप मध्यरे लैंडफॉल करिपारे। लैंडफॉल बेलकु पवन बेग 160 रु 170 किलोमीटर रहिबो, या वृद्धि पाई 190 किलोमीटर होइपारे। बात्यार प्रभाव जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक और बालेश्वर बेसी पड़िबो। भुवनेश्वर मध्य प्रभाव देखिबाकु मिलिबो। आसंता काल ठारु आरंभ होइजिबो वर्षा। बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, मयूरभंज जिल्लारे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबो। सेपरि 26 तारिखरे बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, मयूरभंज, जगतसिंहपुर, कटक, केन्दुझर जिल्लारे प्रबल वर्षा हेबा नेइ पूर्वानुमान करा जाइछि। सेपटे बात्यार मुकाबला पई एनडीआरएफ, ओड्राफ और अग्निशम बाहिनी प्रस्तुत रहिछि। आधुनिक जंत्रपाति सहित प्रभावित जिला को अद्यावधि 22 टी एनडीआरएफ टीम पठा जाइथिबा जणापड़िछि। गभीर अवपातर रूप नेला अवपात, आज नेब बात्यार रूप। 190 किलोमीटर बेगरे बहिपारे पवन, 26 संध्यारे पारादीप और सागरद्वीप मध्य दे अतिक्रम कर। राज्य 8 जिले प्रबल वर्षा संभावना रही, विभिन्न जिले में सतर्क संकेत जारी कर। भद्रक विशेषकर भद्रक, बालेश्वर, केन्द्रापड़ा, मयूरभंज जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो। 26 तारीख में बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, मयूरभंज, जगतसिंहपुर, कटक, जाजपुर, केन्दुझर जिले में प्रबल वर्षा हाँ पूर्वानुमान करछि पाणिपाग केन्द्र। अन्यपटे बात्यार मुकाबला पई सरकार प्रस्तुत होता बेले एनडीआरएफ, ओड्राफ और अग्निशम बाहिनी मध्य प्रस्तुत रही कहुच्छ। बात्या जहां सूचना रही कि वर्तमान बात्या दक्षिण दक्षिण पूर्व पारादीप ठारु 540 किलोमीटर दूर रही, दक्षिण दक्षिण पूर्व बालेश्वर ठारु 650, दक्षिण दक्षिण पूर्व दीघा ठारु 630 किलोमीटर दूर रही। उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर आज साइक्लोनिक स्टर्मर रूप नेब। परवर्ती 24 घंटे भेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टर्मरे परिणत हेब। 26 तारीख संध्यारे बात्याटी पारादीप और सागरद्वीप मध्य लैंडफॉल करिपारे। संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि संतोष जेना। संतोष,
जेहेतु यास आसुच्छी एवं पारादीप एवं सागरद्वीप मध्य दिए अतिक्रम कर 26 तारीख संध्या लैंडफल करिबार जहाँ पानीपाग विभाग पूर्वानुमान करछि। जार प्रभाव में बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर एसबू जिले में प्रबल वर्षा हेबार प्रभाव भी देखा मिल तेणु से नहीं जो देखा विभिन्न बंदर में विपद संकेत जारी कर तो धामरा बंदर केत नंबर विपद संकेत जारी कराई और सेठे प्रस्तुति केमी रही यस्र मुकबिला करने देखो निस्ताब नीलिमा जेहेतु वर्तमान सुधा आकलन करहनी ठीक भावे जे के निर्दिष्ट स्थान में बात्या यस लैंडफल करिबो किंतु तापर भी जो चारोटी जिला को सतर्क सूचना जारी कराई या भितर पारादीप एवं धामरा दुई दुई बंदर निकटे जो समुद्र उपकूलवर्ती अंचल जो लोक मैंने रोचान से वर्तमान सुधा स्थानांतरित प्रक्रिया आरंभ कर सारा आउ कि समय पर एनडीआरएफ ओड्राफ टीम जो काली पेट्रोलिंग करुते आज से बैठक करुँच लोक मू जो गाँ लोक आज सचेतन सतर्कतामूलक दृष्टि से कि भाव बात्या आश्रयस्थल को निजी से सोशल डिस्टेंस सहित कोविड 19 रो गाइडलाइन पालन करा से संपर्कित सूचना देवे आ कि समय पर पाखे पहुँचबू और विपद संकेत केत नंबर स्थान अच्छी से विषय सूचना दे पारू कि पूर्वर वर्तमान समय आम आपको कही रखा चाहूँ जे गत काली जो भाव में पाग पूरा निछाटिया खरा था डड खरा था बेस ताती कि आज बात्यार प्रभाव टिके टिके देखा मिलूँ ये आम कहीपर जो वर्तमान पूरा मेघुआ पाग हो एवं समुद्र कूलर दृश्य आम आपको देखा चाहिबू जे या पूर्व बुलेटिन में आम जमी देखी देखु जे समुद्रर जलर उच्चता जी बर्तमान देखिपारे आम आपको भिजुआल देखा चाहिबू धीरे धीरे समुद्र फुलबार लगी अर्थात उच्चता जलस्तर धीरे धीरे बढ़ुच्ची या सहित पूर्व बात्या एथर बात्यार गोटे तारतम्य देखा मिलूँ पूर्वर प्रशासनिक सरकारी व्यवस्था पक्षर सचेतन सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण कराला एथर कितु गणमाध्यम खबर पाइबा द्वारा सरकार खबर पाइबा द्वारा जो स्थानीय बासिंदा अच्छा अर्थात जो मैंने आजबेस्ट घर कि जो कच्चा घर लोक अच्छा से व्यवस्था भितर किए का घर को जाऊँ ना किए बात्या आश्रयस्थल को जाऊँ कहीं आप जानते पूर्व भली गोटे बात्या आश्रयस्थल में हजार रु 1500 लोक कि एकाठी 500 लोक रहा एथर संभवपर नुह कहीं एथर गाँ गाँव में कोरोना किभली भाव में तार काय विस्तार कर जलस्तर जो चित्र आम आपको देखु निस्ताब नीलिमा आप देखु पाग कि भाव में बर्तमान कोहला पाग है बिल्कुल संतोष कारण कहुए विपद जिते बड़ा से भाई बंधु कुटुंब धरिकी आसे देखते गोटे पटे कोरोना महामारी सहित समस्ते लड़ुंट से भय भी रही अनेपटे प्राकृतिक विपर्य ए सब बड़ कथा हूँ पारादीपवासी बात्या ना नहीं खासकर जेहेतु सागरद्वीप और पारादीप मध्य वर्तमान सुधा जहाँ आकलन कराऊ अतिक्रम कर तेनाली पारादीपवासी भितर बेस् छनका कारण 1999 मसीह दृश्य सामना को पलै आसे कौटना कौटे पारादीपवासी जिते बात्या कथ आसे बेस् भयभीत था संतोष देखो निस्ताब कहीं 1999 मसीहार बात्यार आकलन से ठीक भाव में हो पार ना लोकों पाखे सचेतन सतर्क बार्ता पहुँची पार ना कि जो बात्या आसूँ कहीं आप जानते पाणीपाग विभाग सठिक आकलन जो या पूर्व बात्या कि भाव में मुकबिला हो सारी कहीं आईएमडी डीजी जो आकलन रही निश्चित भाव यह ओडिशावासी तथा देशवासी को पूरा विपद्रु मुकुला जो बात्या एस को देखा वर्तमान सुधा आप जानते जे कोरोना जो धामरा बंदर जो एरिया अच्छी ए वर्तमान समय पूरा फांका पड़ी अर्थात जो होटेल कथा कहतु जो माछ धराली माने जाऊते कहतु वर्तमान एक प्रकार से व्यवसाय एवं यातायात एक प्रकार टिके कमी अर्थात ये लोकों संख्या कमी समुद्र कूलवर्ती पूरा पाखक लगी जो लोक मैंने रही संख्या कम रही गणमाध्यम प्रशासनिक व्यवस्था पक्ष जो सूचना मिलूँ माइक द्वारा प्रचार कराऊ लोकेज निज व्यवस्था पड़ू कार भाई घर अच्छी कार बंधु बांधव घर अच्छी सेठी लोक मैंने जाऊँ घर रोचान आउ जो केतक लोक अच्छा से माने वर्तमान समय गाँव में जो कमिटी अच्छी जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मैंने अच्छा जो कमिटी गुड़िकर से माने वर्तमान प्रस्तुति आरंभ कर सारे जे कि भाव में बात्या को मुकाबला करा जिवो मुकाबला करा जिवो से नहीं तो जिला प्रशासन प्रस्तुति सहित लोके भी निजे निजे सचेतन हो जाती जमीक आप कहे आगुआ जेहतु सूचना मिलूँ और पाणीपाग विभाग आकलन प्रायत बर्तमान सब सठिक रोचे तेणु लोक मैंने भी निजे तैयार होती कि भाव
ହିସାବରେ ୟେସ୍ର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଅଟକେଇବି। ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଯିବି ଜଳେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ, କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜଳେଶ୍ୱରରେ? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ବେଶ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ୟେସ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇକି ଗତି କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଥିଲା ସୂଚନା, ତେଣୁ ବାତ୍ୟା କେତେବେଳେ ବି ତାର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ପାରେ, ଗତି ବି ବଦଳେଇ ପାରେ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହିଛି ୟେସ୍ର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହାଇଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଭୁଗରାଇ ଏବଂ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ବାହାନଗା ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁଗରାଇ ଏବଂ ବାଲିଆପାଳରେ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଭୁଗରାଇରେ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ବାଲିଆପାଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜିର ଯଦି ସ୍ଥିତି, ଆଜିର ପାଗର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପାଗ ରହିଛି, ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ସ୍ଥିତି ମେଘୁଆ ରହିଛି, ସାମାନ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିଛି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଯାହା ରହିଥିଲା, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଆର ସମୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ତାର ହାବଭାବ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଉଦୟପୁର ଏବଂ ତାଳସାରି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ, ଯଦିଓ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ୟା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୋକାନ ରହିଥିଲା ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନ ଜୀବନ ଯାହା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦୋକାନ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସିଲେଣି। ସେହିପରି ଭାବେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତ ସଚେତନ ରହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ସମାନ ସ୍ଥିତି କୋଭିଡ ସମୟ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରଖାଯାଇଛି କୋଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁଠି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁଠି TMC ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କରୋନାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଧିକ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପରିବାରରେ ଲୋକମାନେ ରହିବେ, ସେଭଳି ଭାବେ SRC ଗତକାଲି ଯାହା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ TMC ସେଣ୍ଟର ବା କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭୋଗରାଇ ବାସିନ୍ଦା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କଥା, ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ SRCଙ୍କ ସୂଚନା ପରେ ଗତକାଲି ଆମେ ଭୋଗରାଇ BDOଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଭୋଗରାଇରେ 50 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 15 ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯାହା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନିଆଯିବ? ତେବେ ଜଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୁଗରାଇ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯଦି ଜଳେଶ୍ୱର କଥା କହିବା, ତାର ଦୂରତା ରହିଛି 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଦିନକୃଷ୍ଣ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର, ସେଠାକୁ ନିଆଯିବ। ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ SRC ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ରଖିଛୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ସେଠି ରଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ କୋଭିଡ କେୟାରକୁ ସେଠି ନେଇ ରଖାଯିବ, ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ, କାରଣ ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍, ତ ତା ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାର ତୟାରୀ ଚଲାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ୟେସ୍ର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ, ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଖବର ଜାରି ରହିବ ସାମାଜିକ ବ୍ରେକ୍ ର। କରୋନା ମହାମାରୀ ଓ ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 21-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର 8.17 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 21-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର 8.17 ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ 61.84 ଲକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର ନିଜର ପକ୍କା ଘର କଥା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କରୋନାର ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଗରିବଙ୍କ ସାହାରା ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଛାତ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
मालकानगिरी जिले में कोविड परिचालनार नग्न चित्र सिक्युरिटी गार्ड करुछंती स्वाब टेस्ट एभली अभावनीय दृश्य देखा मिली। मालकानगिरी जिला कोरुकोंडा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में कोविड परिचालनार टेस्टिंग को अधिक गुरुत्व दि जाता बेले स्वास्थ्य केन्द्र में सिक्युरिटी गार्ड स्वाब टेस्ट कर चित्र लगी। अर्घसात टेस्टिंग समय सामाजिक दूरत्व को गुरुत्व दि जाता बेले स्वास्थ्य केन्द्र ओपीडी सम्मुखें चली स्वाब टेस्ट। स्वाब टेस्ट निम्ते राज्य सरकार पक्षर् युद्धकालन भितर स्वास्थ्यकर्मी को प्रशिक्षण दि जाता हेले सिक्युरिटी गार्ड जनक बिना तालीम किभली स्वाब टेस्ट करूँ बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होती। सेपटे घटना जिले में कोविड परिचालनार असल चित्र को पदारे पकाई। दिन दुई प्रहरे मोरम और माटीर चोरा चलाण सबु जाणी नीरव द्रष्टा साजिंट तहसिलदार ठिकादार और तहसिलदार मालेमाल होता बेले सरकार हरा लक्ष लक्ष ट राजस्व। जाजपुर जिला दानगदी तहसिल अंतर्गत धूलीगढ़ जंगल बेआईन भाव मोरम और माटी चलाण होता अभोग हो दानगदी तहसिलदार नम्रता मोदी सबु जाणी चुप रही ठिकादार कन्ही माछी बेआईन भाव शह शह ट्रिप मोरम एवं माटी पकाउछंती। मोरम एवं माटी खनन कौन सरकारी अनुमति भी मिली नहीं या सत्य भी चली परिवहन ठिकादार को ठारु कौन फाइन भी आदाय होना यार प्रतिवाद रे तीव्र आंदोलन करा दानगदी ब्लॉक बीजेपी अध्यक्ष सुधांशु शेखर भंज एने आम तहसिलदार प्रतिक्रिया ने चेष्टा करलु किंतु तहसिलदार पक्षर कौन प्रतिक्रिया मिल पारना। समय आउ एक ब्रेक ब्रेकफास्ट स्वागत। बात्या को नहीं डर मुंड पक्का घर किसी एमती स्लोगान दे राज्य सरकार हेले एसआरसी पक्का घर गुमर खोली धरा पड़ जा पंचायतराज मंत्री मिछ प्रचार तथ्य कहि राज्य में 28 लक्ष रु अधिक लोक दि जा पक्का घर बीजेडी प्रतिश्रुति 2019 सुधा समस्त मुंड पक्का घर हेले डिसेंबर मसने केन्द्र को चिठी लिखि राज्य मागिला 14 लक्ष घर यह ही प्रमाणित करुछि पक्का घर मिछर असल कहानी। भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर अर्गस रियलिटी चेक जोन वल्नरेबल घर जो मान कच्चा घर अच्छी एस्बेस्टस घर अच्छी से कच्चा कांथ अच्छी से इवाकुएट करवा मिछ कही मंत्री एसआरसी खोलीदे पक्का घर गुमर बात्या को नहीं डर मुंड पक्का घर खाली स्लोगान घर थिले सरकार को करबा को पड़ी थांता कसरत धरा पड़गला पंचायतीराज मंत्री मिछ प्रचार। भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर रियलिटी चेक माड़ी आसुची यस घंटा को 185 किलोमीटर बेगरे भी बोही पारे पवन मुकाबला पे अंटा भिड़ी लोके किंतु जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर भद्रक दृश्य सरकार को मिछ को पदार पकई मुंड चाल छपर सामान्य पवन हेले भी उड़ाई नेब ये बालेश्वर दृश्य शाखा पंचायतवासी मनरे भीषण भय भयर कारण यस सरकार जान ना सरकार खाली भोट आमको दियो आमे आमे सब करदेबू आम जनसाधारण सब उपकार करू किंतु भोट आमको दियो धन दौचे भोट दियो आ किछ नै असुविधा समय रे कई आसुना भंगा घर नई कट हाँ भय लगे किस कर जमी जगह मान सरपंच वार्ड मोर जमी नहीं जी समय ना कहीं दे तुम मैंने आसने जान ए बातिया रे हो बोली टीवी न्यूज रे सुन तो प्रस्तुत छन दे रहबे ना बातिया ने पड़ी जिबे ना बातिया स्थल की पड़ी केंद्रापड़ा महाकाल पड़ा रे भी समान दृश्य नई जाईतिबा ए चाळ घर यस्त्र माड़ को केमिति सहिबो लोकन को मन रे भय हमें केमिति रे हम तो चाळ घर कोठा घर नै किछि नै हमें केमिति रे हम तो जाले समिति रहबो केमिति रे आ ओ जो आस्तुला गत वर्ष मध्य फनी हेतला अम्फन हेतला तितली हेतला से तोर केमति रहथला जे घर भांगी जाई छी जरी घर घर रखे रहथला किछ सहायता पाइथला हां किछ पाइ हमें बाती आसले जांकर पक्का घर अछि तांकर घर को हमें जाऊ आ हमर रेड क्रॉस जो अछि से रेड क्रॉस को नहले पड़ो आ
ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ଘର ଫର ସବୁ ଚାଳ ଘର ସବୁ ରହେନି ଏଠି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଉ ତ ଏପଟେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଏପଟରେ ଚାରିପଟେ ନଈ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ 28 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପକ୍କା ଘର। ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ ପକ୍କା ଘର। ହେଲେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖି ରାଜ୍ୟ ମାଗିଲା 14 ଲକ୍ଷ ଘର। ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ପକ୍କା ଘର ମିଛର ଅସଲ କାହାଣୀ। କାହାକୁ ମିଳିଲା ପକ୍କା ଘର, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କିଏ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଉଛି ଘର, 19ରେ ହେଲା ନାହିଁ, କେବେ ହେବ, କେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର, ନା ଇଏ କେବଳ ମିଛ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା ତାର ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।